5000 सालों से श्रीलंका की गुफा में हनुमान जी के गदा की रखवाली कर रहा है ये इच्छाधारी बंदर। इस घटना का रहस्य सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। बात है सन 2019 की, जब श्रीलंका सरकार को एक निश्चित स्थान पर खुदाई के दौरान 1000 किलो की सोने की गदा प्राप्त हुई। रामायण रिसर्च सेंटर ने यह दावा किया कि यह गदा हनुमान जी की हो सकती है। इसके अलावा अशोक वाटिका, रावण महल जैसे कई स्थानों को पहचान कर उन्हें चिन्हित किया गया। श्रीलंका की सरकार ने रावण से जुड़ी कई जगहों को भी राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। उसी समय पीयूष और श्रेयांश नाम के दो लड़के श्रीलंका में पढ़ाई कर रहे थे। वो मूल रूप से भारत के ही निवासी थे और उन्हें शोध कार्यों में बहुत रुचि थी। जिस स्थान पर ये 1000 किलो की गदा प्राप्त हुई थी, उन दोनों ने उसके आसपास के क्षेत्र में शोध करने का निर्णय लिया। पीयूष और श्रेयांश रामायण से जुड़ी और भी चीजों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते थे, जिसके लिए वो पहाड़ियों के अंदर जाते ही जा रहे थे। परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वे दोनों बहुत ही अंदर पहाड़ी इलाकों में आ चुके थे, तभी उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जो हवा के समान बहुत ही तेज चल रही थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक बंदर था, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था एक बंदर इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। उनके हाथ में एक कैमरा था जिसमें वो उस दृश्य की रिकॉर्डिंग करने लगे। पीयूष उस बंदर के पीछे पीछे भागने लगा और उसका पीछा करने लगा। चूंकि श्रेयांश का वजन ज्यादा था और वो दौड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो पीयूष से बहुत पीछे रह गया था। परंतु पीयूष उस बंदर का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंच गया था। वो ये सब नज़ारे अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर रहा था। जब वो उस गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कीमती वस्तु पड़ी हुई है जिसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि वो उसे ध्यान से देख भी नहीं पा रहा था, और वो इच्छाधारी बंदर भी उस चमकीली वस्तु के पास ही बैठा हुआ था। पीयूष ने जब और पास जाने की कोशिश करी तो अचानक ही उसके दिल की धड़कनें थम गई और वो उसी स्थान पर नीचे गिर गया। जब थोड़ी देर बाद श्रेयांश उस जगह पर पहुंचा और उसने पीयूष को वहां पर मृत पाया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बहुत ज्यादा डर गया और उसी समय पीयूष को बाहर लेकर आ गया। जब श्रेयांश ने पीयूष का कैमरा देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने श्रेयांश के होश उड़ा दिए। उसने देखा कि उस गुफा के अंदर एक गदा मौजूद है जिसकी चमक इतनी ज्यादा है कि वो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती। उसका प्रभाव इतना खतरनाक था कि पीयूष जैसे ही उसके संपर्क में आया, उसके दिल ने काम करना ही बंद कर दिया, जिसके बाद पीयूष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, परंतु वहां पर डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। अब श्रेयांश और बाकी लोगों के ये गुत्थी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसे कैसे मर सकता है। श्रेयांश ने कैमरे में रिकॉर्ड उस गदा की तस्वीर को किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि उसे शंका थी कि जो भी उस गदा को देख लेता है किसी न किसी तरह से उसका नामो निशान मिट जाता है। और पीयूष के मरने के कुछ ही दिनों बाद श्रेयांश ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इन दोनों दोस्तों का उस गुफा के अंदर जाना, उस चमकीली वस्तु को देखना और बाद में दोनों का मर जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। और वो गदा भी कोई सामान्य गदा नहीं थी, क्योंकि उसकी रक्षा एक इच्छाधारी बंदर कर रहा था जो हवा से भी तेज दौड़ता था। दोस्तों, ये घटना 100% सत्य है। इसे लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।